सबसे पहले तो पूरे मीडिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड मीडिया की तरफ से जितने भी देख रहे सभी दर्शकों को खुशबू जैन का प्यार भरा नमस्कार। टुडे वी हैव रिकॉर्डेड अ ब्यूटीफुल टाइटल सॉन्ग कलयुग के रिश्ते, और इसके को सिंगर हैं पद्मश्री अनूप जलोटा जी। तो इट्स अ प्लेजर टू सिंग दिस सॉन्ग, इट्स माय ऑनर, एंड वंडरफुल लिरिक्स बाय नवाब आरजू जी एंड म्यूजिक बाय मिस्टर राजा अली जी। एंड नवाब जी के कितने सारे गाने गाए हैं, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग टुडे वी हैव डब इन दिस मूवी कलयुग के रिश्ते, जिसमें किरण जी इसके लीड रोल में हैं, और पूरे प्रोडक्शन हाउस के लिए मैं दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। प्रोड्यूसर मिस्टर हितेश जी, द डायरेक्टर एंड द होल सिनेमा आज तक प्रोडक्शन, तो माय बेस्ट विशेस कि आप इस गाने को सुने, एंजॉय करें। एंड दिस इज़ आई कैन से वेल आई वाज सिंगिंग आई वाज एंजॉयिंग दिस सॉन्ग बिकॉज इट्स समथिंग डिफरेंट, जो होना चाहिए वैसा गाना है। खुशबू जी, ये भी जानना चाहेंगे कलयुग के रिश्ते, ये जो टाइटल से ही पता चलता है, किस मूड का गाना है, किस जोनर का गाना है, जो अभी आप दो लाइन का कुछ किस जोनर का गाना है जो उसके? दिस इज अ वेरी टची सॉन्ग, इट्स अ हार्ट टच सॉन्ग, इट्स अ ट्रू सॉन्ग ऑफ लाइफ के रिश्ते नाते, यू नो, सुख दुख बहुत सारी चीज़ें हैं, कांटे बांटे जीवन में, और उस तरह से जो पूरा एक वर्णन इस गाने में है पूरे लाइफ का कि सच्चाई क्या है ओवरऑल, तो समय समय का फेरा है, कहीं रोशनी कहीं अंधेरा है, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द सॉन्ग। पहली बार अनूप जी वेब सीरीज के लिए गाना गा रहे हैं जी, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि अनूप जी भी इस गाने को बहुत ही खूबसूरती से गाने वाले हैं। आई थिंक नवाब जी हैज टोल्ड मी अबाउट दिस सॉन्ग, द होल सिचुएशन ऑफ दिस सॉन्ग इज एक्चुअली दिस इज अ टाइटल व्हिच इज गोइंग टू प्ले इन द होल यू नो सिचुएशन ऑफ द web series and particular time, you know, there are three stanzas we have done. तो उसमें जैसे आने वाले हर कल के लिए हम आज को क्यों ठुकराते हैं, तो this is like how do you see कलयुग actually? जी जी, क्या है रिश्ते, you know, like how do you feel these days, रिश्ते और क्या मायने होता है देखिए, ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, हम सबकी सोच है जो कहीं ना कहीं दबी हुई है, जिसको नवाब जी ने इस गाने में दर्शाया है लिरिकली, और इतना अच्छा उसका धुन बनाया है राजा अली जी ने कि आप खुद सुनेंगे तो कहेंगे कि वाकई, तो कभी कभी कहने से नहीं गाने से सब कुछ कह दिया है, और उन्होंने लिख के सब कुछ बता दिया है। सो नथिंग टू से, वेरी सोलफुल सॉन्ग, यस इट्स इट इज। समय समय का फेरा है, कहीं रोशनी कहीं अंधेरा है, और इस तरह से गाना जाता है, एंड देन ये हैं कलयुग के रिश्ते, ये हैं कलयुग के रिश्ते। थैंक यू सो मच फॉर द टीम फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस, थैंक यू। ये जैसा कि आप लोगों ने सुना, इस वेब सीरीज का टाइटल है कलयुग के रिश्ते, और ये पहली बार वेब सीरीज जो बन रही है आजकल, और लोगों का अपना एक ऐसा ख्याल होता है कि जिसमें बहुत सारे एडल्ट सीन्स और पता नहीं किस 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 तरह के सीन्स देखे जा रहे हैं, लेकिन ये पहला वेब सीरीज है जो बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन पारिवारिक ड्रामा है,
और कहानी सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने अहंकार में, अपने घमंड में, अपने गुरूर में चूर होकर दौलत के नशे में अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। और जब वक्त पलटता है, जब वक्त एहसास दिलाता है, तब उन रिश्तों की कीमत हमें समझ में आती है कि जब वो लोग जो आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द भरे रहते हैं, आपके साथ आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वक्त जब बुरा आता है तो सब उस तरह छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं जब जहाज़ डूबता है तो सबसे पहले उसे चूहे छोड़ कर चले जाते हैं, और आदमी अकेला खड़ा हो जाता है। उस वक्त लगता है ये जो कलयुग है, जब पैसे थे, दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन जब समय ऐसा आ गया कि कोई नहीं, वो वीरान अकेला खड़ा है, और तब उसे एहसास होता है कि वो रिश्ते जो असल में मेरे घर के थे, उन रिश्तों को मैंने खोया पैसों, दौलत और शोहरत की लालच में। और वो रियलाइज़ करता है कि दरअसल सही दौलत, सच्चा प्यार जो है, वही जो रिश्ते हैं वो मेरे अपने हैं। ये कहानी है कलयुग के रिश्ते, जैसे जिस प्रकार से टाइटल है, सारा कुछ कह देता है कि आज के जमाने को के लिए बनाया जा रहा होगा मेरे ख्याल से, तो किसी पर्टिकुलर यूथ या किसी जनरेशन को नहीं, कैटर एक्चुअली ये पारिवारिक ड्रामा है, और हम परिवार सिर्फ हमारा जो ऑडियंस है वो परिवार ही है, औरतें हैं, बच्चे हैं, और मैंने जैसा कहा कि इसमें कोई एक सीन भी ऐसा नहीं है कि आपको जहाँ कोई आपत्ति कहीं से उठे। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर और इस वेब सीरीज को लेकर, कलयुग के रिश्ते जिस प्रकार से दर्शा रहा है कि आज के जमाने को ये और सब आईना दिखाएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे एज ए प्रोड्यूसर, कैसे आपको कन्विंस हुए इस को वेब सीरीज को बनाने के लिए, और क्या खास बात है इस कलयुग के रिश्ते में जो लोगों को आज रिलेट करेगी, आज के जमाने यूथ को? सर सबसे पहली चीज़, मैं हमेशा वो वेब सीरीज़ बनाना चाहता था जो मैं अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप के साथ बैठ के देख पाऊँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो लोग बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता था कि मैं ऐसी वेब सीरीज़ बनाऊँ जिसमें रिवीलिंग सीन्स हों, जिसमें सेक्स से जुड़ी हुई चीज़ें हों। आज कुछ ऐसा तो हमें चेंज लाना पड़ेगा जो हम पूरे परिवार के साथ बैठ के वेब सीरीज़ भी देख पाए। जब मुझे नवाब भाई ने कहानी सुनाई तो मेरे दिल को ये कहानी वाकई इतनी छू गई थी कि मैंने कहा नहीं, ये कहानी तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। उसके बाद समय बीता, जैसे मैंने एक गाना सुना, गाने के पहला अंतरा सुना, तो लगा हाँ ये लोगों के दिल पे छू सकता है। फिर हमने अर्जुन भाई जैसे मेरे पार्टनर हैं, एक और हैं संजय भाई, जब हमने सुना तो वाकई एक वो टाइटल सॉन्ग है जो आज लोगों के दिल पे छुएगा, और मैं आशा करता हूँ ये दिल के, लोगों के दिल को वाकई इतना छू जाएगा कि लोगों के शायद आंसू निकल आएंगे इस गाने को सुनने के बाद, कि कलयुग में हो कह रहा है ये अब लोगों को पता चल रहा है। और खुशबू जैन आज यहाँ पे गाना गा के गई, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ खास विषय ये रहा कि उन्हीं को खुशबू जैन से ही गाना गवाया गया, ये सर के पीछे पर्टिकुलर कारण? ये तो सर डिपेंड करता है कि गाने में आवाज़ हमें किसकी चाहिए, और गाने के बोल में आज जैसे हमने खुशबू जी और अनूप जी कर रहे हैं, सो ये तो सर नवाब जी का डिसीजन था, और मेरे हिसाब से उनका डिसीजन सबसे बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि गाना जब लिखा उन्होंने है सो वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि इसको कौन गाएंगे, जिस पेज पे गाना है, जिस पेज पे गाना है वही ज़्यादा अच्छी तरह, मेरे ख्याल से उनसे बेहतर कोई और, उनसे बेहतर और कोई जान भी नहीं सकता। जी जी सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अनुभव अपना एज ए प्रोड्यूसर? एक शुरुआत की अच्छी, आप देखेंगे एक अच्छा बना रहे हैं, जो एक फैमिली है वेब सीरीज, आप लोग बन जाए एक बार उसके बाद देखिएगा। नहीं, जब आपको कहानी सुनाई गई थी या बताया गया था, जब पहले प्रपोजल आपके पास आया, तो कैसा लगा आपको कि हाँ कलयुग के रिश्ते आज हम बना? काफी हार्ट टचिंग है, मतलब आप देखेंगे जो बनने के बाद, मतलब आप खुश हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल खुश है सर। चेक वगैरह सबको फॉरवर्ड दे, बिल्कुल सर। चेक का जमाना चला गया, चेक का जमाना अगर रखेंगे पेटीएम, गूगल, पेटीएम, यूपी सब ऑनलाइन ट्रांसफर पे चलता है। चलिए, थैंक यू सो मच सर।